वर्ल्ड कप 2019 बुधवार को हुए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को करारी हार का स्वाद चखाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 41 रनों से पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया है। इस मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत के बाद 49 ओवर में 307 रनों पर समेट दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को यह लक्ष्य हासिल करने नहीं दिया और 1992 की विश्व विजेता को 45.4 ओवर में 266 रनों पर पवेलियन में बिठा दिया। इस मैच में पाकिस्तान का स्कोर 160 पर 6 विकेट था और यही हसन ने आकर इस मैच में पाकिस्तान का स्कोर 160 पर 6 विकेट था और यही हसन ने आकर 15 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके लगाकर मैच में खूबसूरत शुरुआत की। दूसरी पारी की शुरुआत में सलामी बल्लेबाज फकर जमा बिना खाता खोले ही लौट गए। उनके बाद बाबर आजम और इमाम उल हक ने टीम को संभाला, लेकिन 30 रन बनाकर बाबर भी आउट हो गए। इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने शानदार शतक लगाया और कैप्टन एडम फिंच की आतिशी की पारी के बदौलत 49 ओवरों में 307 रन बनाए। इसके अलावा शॉन मार्श, एलन कैरी, मैक्सवेल उमान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ ने बनाए। वहीं पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद आमिर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने 2, वाहिब हसन अली और हफीज ने 1-1 विकेट लिए। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसी हार के बाद पाकिस्तान 16 जून को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में किस मनोबल के साथ मैदान में उतरेगी।